आपका नाम बता दीजिए, क्या है? मेरा नाम है रुखसार। रुखसार, यहीं पे रहते हो आप? मुंबई में? मुंबई में रहती हूँ। मुंबई में मैरिड हो आप? नो। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैरिड नहीं हुआ। अच्छा, अभी यहाँ पे ना पीछे कैंपेन हो रहा था, वो वहाँ पे बता रहे थे कि लड़कियाँ जो भी ड्रग्स वगैरह लेती हैं या जो भी कंज्यूम करते हैं, या लड़के जो भी ड्रग्स वगैरह लेते हैं, शराब पीते हैं, उनको कभी भी चूज नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो लड़के प्यार में होते हैं, जो मतलब ऐसे लड़कों के प्यार में होते हैं, जो लड़कियों के प्यार में होते हैं, वो उनको छोड़ पाएंगे इस चक्कर में? अच्छा, हमको सिखा रही है। छोड़ेंगे तो वो जो कैंपेन हो रहा था वो काम करेगा आपको लगता है? नहीं, नहीं? क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ड्रिंक करते हैं लड़की, ऑफकोर्स उधर नहीं जाते हैं। मतलब लड़की लोग बोलते संभालते अपने बॉयफ्रेंड लोग को कि आप ये सब मत किया करो। नहीं, लेकिन वो होता है ना, बहुत लोग होते हैं नहीं छोड़ते हैं, तो उनको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़? अगर अपने पे डिपेंड कर देगा तो क्यों नहीं छोड़ेंगे, ऑफकोर्स छोड़ेंगे। अच्छा, ओके। मतलब ये प्यार में अगर दो दो में से एक चीज सपोर्ट करना रहेगा तो अगर उसको चूज करना है उसके ऊपर डिपेंड है। मुझे अगर चूज करना था तो वो ये सब छोड़ो, नहीं तो आपको चूज करना है, फैमिली को चूज कर। अपने पास भी दो ऑप्शन आते हैं, घर वाले को चूज करना है या बॉयफ्रेंड को चूज करना है। तो अपन ज़्यादा करके दोनों को चूज करने के लिए होते हैं, मतलब उसमें से एक ही ऑप्शन। तो अपने को माँ बाप ने पैदा किया है तो अपन घर वाले को चूज करते, ना कि बॉयफ्रेंड को। मान लो आपका बॉयफ्रेंड है, सीरियस रिलेशनशिप में हो आप, और वो ड्रग्स लेता है, शराब पीता है, तो आप उसको छोड़ोगे या नहीं? छोड़ दूंगी मैं। छोड़ दूंगी। चलो, बस यही जानना। थैंक यू सो मच।